नहीं आ रही मैम बोलो गुड आफ्टरनून मैम नहीं आ रही मैम अब आ रही है क्या अब यस मैम यस मैम फिर से चली गई मैम फिर से चली गई अब बताइए अब आ रही है आ रही है आ रही है आज हम बोलना मैम आपकी बोलो मैम आ रही है आ रही आवाज तो इसमें क्या है अब कैसे करते हैं निकलता है जैसे कि हमने कौन सी बुक निकालना है मैम कौन सी बुक निकालना है मैम कौन सी बुक निकालना है पूछ कौन रहा है कौन सी बुक निकालना है कौन सी बुक निकालना मैं बोला मैम शाश्वत शाश्वत बेटा आपने जब देखा है उसमें जो मैम ने मैसेज डाला था कौन सी क्लास के लिए डाला था सब्जेक्ट देखा उसमें क्या देखा कौन सा सब्जेक्ट था बताओ ये नहीं देखना इसमें लगाना ठीक है हिंदी मैं उसे बने चाहे बने लेकिन शर्मा जी मैं थोड़ी देर बाद होमवर्क देख ली बेटा रुक जाओ ठीक है ये आप लोगों को मैंने
चलिए मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, आपको कुछ आंसर्स करने हैं। चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, चित्र पहचान कर नाम लिखिए। तो पहला चित्र किसका बना बेटा? मृग। मृग नहीं, मृग। क्या बोला है? मृग। आप मृग माँ बनाओ। दूसरे में बना है एक गोल सा आकार बना। हम सब कहाँ पर है? किस प्लेनेट? पृथ्वी। कहाँ पर रहते आप? पृथ्वी। पृथ्वी कृषक। क्या करना है? दा खाली बना के दा के नीचे भी मात्रा लगाना है। ऐसे दा बना, दा बना के यही चीज को लिखना है। बना लिखते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन है बेटा, री की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए, ठीक है ना? इसने पहला तो दिया है पसी लिखा है, तो उसमें का में नीचे लगा दिया। फिर उसके नीचे है दग। दग यानी मैंने पहले अक्षर में लगाना है। If it is right then you write. If it is right then you write. It means that अगर वो सही शब्द है तो आप उसको as it is लिख लीजिए मात्रा लगाने के बाद। अगर वो सही अक्षर में नहीं लगा है तो आपको सेकंड में लगाना है, ठीक है? तो अगर आपने दग है तो पहले हम दा में लगाएंगे। दा में लगाएंगे तो बनेगा ब्रिग। ब्रिग मीन्स होता है आपकी आंखें, ठीक है? तो आप आमें लिखेंगे। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? डबल डबल लाइन ना दिखा करें, ये जो हर चीज का दिख रहा है। मेरा मेरा वाला ना दिख रहा है। फिर है कपा। कपा में लगाएंगे कृपा। भगवान की उन पर कृपा बनी रहे, कृपा। ये वही वाला कृपा है ना, ऐसे लिखते हैं। कृपा। फिर है हृदय। जब अपना मन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हृदय। फिर उसके बाद है मतक, फिर है मृतक।
तब जो लिखा तो मृतक बना देंगे, ये बीच मंत्र लगा दिए। ये यहाँ के नीचे पसी लगता है पूरा रहेगा। इसी तरह और मंत्र लिखा तो पहले हम लिखा अमताल लिखते हैं उसके बीच मंत्र भी पूरा डार्क भी नहीं कर रहा हो इस चीज को क्या नहीं कर पाते लिखा लिखा है चीज सब में नहीं लगा है ना इधर जो दिया हम लोग पेंसिल वाले में देखो सब में दी क्यों नहीं क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर दिस इज योर होमवर्क ये आपके होमवर्क है Yes, ma'am. Vidhi? मैम नंदनी प्रिया का हो गया नंदनी प्रिया का हो गया वेयर इज नंदनी प्रिया अच्छा ठीक है बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ ये आपका होमवर्क है ठीक है बोलो कि मैम अभिनव का रह गया अभिनव को मैंने देख लिया बेटा अभी आपका होमवर्क भी कर दिया क्या अच्छा यस मैम और थोड़ा पास करा और लेकर आओ कैमरे के पास लेकर आओ क्या है अमृत एक कृषक है मृग के द्रग बहुत सुंदर है फिर अरे मैं तो सबको बता दे रही हूँ आंसर नहीं बताना ठीक है बेटा ओके नंबर वन का ठीक है अच्छा ओके वेरी गुड
ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को होमवर्क पता ही चल गया, ये मैंने करवा दिया। जिन बच्चों को ना हुआ हो वो बच्चे वीडियो जब मैं सेंड करूंगी तो देख लेंगे, ठीक है? ओके, बाय बाय।